अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज अमेरिका में इलेक्शन है, पुलिस स्टेशन लगे चलते हैं, देखिए वहाँ क्या धक्का पेली हो रही है, गालम गलौज, सर फूट रहे हैं एक दूसरे के। गाइस हम पोलिंग स्टेशन पहुँच गए, देखिए यहाँ पे आई वोट, सो आई वोट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज अमेरिका में इलेक्शन है, तो हमने कहा कि आज छोटा सा एक ब्लॉग बना के आपको दिखाते हैं अमेरिका में इलेक्शन किस तरह होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इलेक्शन में वोट डालने के लिए। वोट किसको डालेंगे भाई, ये अपना पर्सनल सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते आप वोट किसको डालेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन लगे चलते हैं, देखिए वहाँ क्या धक्का पेली हो रही है, गालम गलौज, सर फूट रहे हैं एक दूसरे के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बहुत आराम से पुरसकून तरीके से वोट डालते हैं। तो चलें ठीक है, आपको पोलिंग स्टेशन लेके चलते हैं, वहाँ पे अगर अंदर बनाने दिया तो दिखाएंगे, वरना आपको थोड़ा सा ओवर व्यू बताते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं। आ जाएं हमारे साथ। फ्रेंड्स गाइस हम पोलिंग स्टेशन पहुँच गए, देखिए यहाँ पे इस तरह कोई रश नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई लड़ाई कुटाई नहीं है, कोई गालम गलौज नहीं है, आराम से हम अंदर जाएंगे, वहाँ पे हम बैलेट लेंगे और अपना बैलेट भरेंगे और आज हम अपना वोट जो है वो सील करके यहाँ से निकल जाएंगे। अगर अंदर बनाने दी तो आपको दिखाएंगे। तो चले आए हमारे साथ वोट करते हैं। चलो जी अंदर देखें। इस दफ़ा मेरे दो बेटे भी माशाल्लाह काबिल हो गए कि वोट डालने की उम्र हो गई उनकी, वो भी वोट डाल रहे हैं। यहाँ पे इस तरह कंप्यूटर होता है, देखें कंप्यूटर में आपने पेपर अंदर डाल दिया प्रिंटर के अंदर और अपनी सिलेक्शंस आप पढ़ते जाएं और अपनी सिलेक्शंस दबाते जाएं, जो जो नेक्स्ट करते जाएँ। इसमें आपके पास सब प्रेजिडेंट का नाम आ जाएंगे, जो जो प्रेजिडेंट के लिए खड़ा हुआ है उसमें से आप एक को एक पे टिक करें और उसको नेक्स्ट कर दें। बस इस तरह जब सारा आपका पूरा वोटिंग हो जाएगी तो आपको पेपर प्रिंट हो जाएगा, उसको आप चेक करें, चेक करने के बाद दोबारा मशीन में डालें और पेपर वापस अंदर चला जाएगा, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती और पर आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा इस तरह। ऑलराइट गाइस हमने वोट डाल दिया अपना और हमें स्टिकर मिल गया, देखें हाथ पे कोई काला के निशान नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बस स्टिकर दे देते हैं। अब स्टिकर लगा लें आई वोट, सो आई वोट। Thank you very much for watching. I hope you like my vlog. If you like my vlog and you want Pakistan to be like this, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में भी ऐसे वोटिंग हो तो हमें ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा और किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी को लाना पड़ेगा जो ऐसा सिस्टम करे, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुटाई नहीं। आई वोट। अच्छा ये हमारे हाथ का निशान की जगह स्टिकर लग जाता है। आ जाएंगे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं और अपने लिए जरूर कुछ कीजिएगा। पीस आउट।